आप कोई भी डाउजर लेंगे, आपको दिखेगा एक डाउजर में चेन है, एक छोटा सा मोती है जिसपे वो लटका हुआ है, और नीचे का एक पोर्शन है। तो अभी आप दूसरे वाले को यूज कर सकते हैं जो आपको दिया था। ये तो दिखाने के लिए था कि आप नट से भी डाउजिंग कर सकते हैं। इसको हम आपको दोबारा से दिखाएं, जो हमने अभी सामान हटा दिया है उसमें ये एक छोटा सा नट भी लगा रखा है जिससे आप आराम से डाउजिंग कर सकते हैं। तो अब वो दूसरा जो पिंक कलर का क्रिस्टल था, हाँ, इसको आप यूज करिए डाउजिंग के लिए। ये एक वेट है जो एक चेन से सस्पेंडेड है, और दूसरी तरफ एक मोती है जहां पे उसे पकड़ने की जगह है। तो ये जो वेट है इसको बोला जाता है बॉब, ये है चेन, और ये जो टॉप का मोती है ये वाला, इसको बोलते हैं फॉब। बॉब सो एंड फॉब, बॉब एंड फॉब, आप इसको ज्यादातर फॉब से पकड़ते हैं और तब आप डाउजिंग करते हैं। अगर चेन बहुत लंबी हो जाए तो आप उसे नीचे से भी पकड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आपको केवल इस तरह से पकड़। ऐसे पकड़ते हैं तो सेंसिटिव डाउजिंग आसानी से होती है, लेकिन जब कई बार आप रोटेशन होती है और डाउजर आपके हाथ पे लगने लगता है तो आप उस समय चेन को छोटा करके पकड़ सकते हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम इसमें वॉलेंटरी मूवमेंट देंगे। तो आप अपने अपने पैड लें और उसमें आप एक सर्कल बना लें। और इस सर्कल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बना दें। सर्कल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बना दें। अब डाउजर को पकड़ें इस तरह से, और सर्कल को देखते हुए जो आपने एरो बनाई थी आप उसे हाथ ना हिलाएं, केवल इंटेंशन दे, जैसे कि आप अपने आंखों से, विजुअल एनर्जी से, या फिर अपने मेंटल इंटेंशन से आप डाउजर को हिला रहे हैं। थोड़ा बड़ा सर्कल बनाएं अगर छोटे सर्कल में। तो यह प्रैक्टिस है डाउजर को अपने इंटेंशन से हिलाने की। अगर ऐसे करके आप वर्टिकली पकड़ेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, साइडवेज उसको रखें इस तरह से, साइडवेज पकड़ के इस पोजीशन में आसानी से होता है। अब आप केवल मेंटल इंटेंशन दें, आप देखेंगे कि वो बड़ी आसानी से घूमेगा। आसानी से घूम रहा है। अब आपको एक मजेदार बात बताते हैं, यह टेस्ट भी होता है कि आपके एनर्जी चैनल्स कितने क्लियर हैं। हमको पता है कि ये दोनों बहुत ही एविड मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर्स हैं। अनुजा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करती हैं और इंदिरा अपनी दूसरी मेडिटेशंस करती हैं। तो जो भी मेडिटेशन करते हैं या हीलिंग करते हैं उन सब की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए इनके हाथ में डाउजर बड़ी आसानी से घूम रहा है। आप जब इसे प्रैक्टिस करें तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन आप पेशेंस रखें। शुरू शुरू में रिस्पॉन्ड करने में कभी कभी 25 से 30 सेकंड भी लग जाते हैं डाउजर को रिस्पॉन्ड करने में। आप, आपको वीडियो में दिख रहा होगा अनुजा के हाथ में जो डाउजर है वो बड़ी आसानी से घूम रहा है। अब उसी एरो, इसी सर्कल की बाहर आप दूसरा बड़ा सर्कल बनाएं और उसमें आप रिवर्स डायरेक्शन में एरो बना दें। आप चाहे तो डाउजर को रुकने के लिए भी मेंटल इंटेंशन दे सकते हैं, हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं। जब आप रुकने को बोलते हैं तो डाउजर रुक भी जाता है। तो हमने पिछली बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करी थी, अब प्रैक्टिस के लिए हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहे हैं। अब विलिंगली आप डाउजर की मूवमेंट रिवर्स करिए। अब बाहर की एरो की तरफ देखिए और डाउजर को आप उसके अकॉर्डिंग मूव करने दीजिए।
अब ब्राउजर को रुकने के लिए भी आप अपनी इंटेंशन से रोकिए, आप हाथ से पकड़ने की कोशिश मत करिए, आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से ब्राउजर रुक जाता है। और अनुजा और इंदिरा आज पहली बार ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि बिना प्रायर एक्सपीरियंस के भी बड़े आसानी से ये हो जाता है। जब कंफर्टेबल हो आप उसको रोक दें। अब आप पेन उठाएं और एक क्रॉस बना लें कुछ इस तरह से। एक क्रॉस बना लें, सिंपल सा क्रॉस। अब इस क्रॉस को बिल्कुल पैरेलल रखें अपने, और फिर से डाउजर उठाएं। अब डाउजर को बिल्कुल सेंटर पे रखें जो कि क्रॉस के बीच का है। अब हम मूवमेंट प्रैक्टिस करेंगे वर्टिकली और साइडवेज। तो पहले आप जो चाहिए चूज कर ले, मैं वर्टिकली चूज कर रहा हूं। अब वर्टिकली डाउजर को ऊपर नीचे आप अपनी इंटेंशन से उस एरो के डायरेक्शन में मूव करिए। उसके बाद आप स्टॉप कर दीजिए। नाउ लैटरली, अब चार्ट को 45 डिग्रीज पे टर्न कर दीजिए, पेंडुलम रोक दीजिए और चार्ट को 45 डिग्रीज पे टर्न कर दीजिए, यानी कि जो एक्स है अब 45 डिग्रीज पे। ठीक है, हाँ 45 डिग्री कर लीजिए, या कोई भी डायरेक्शन जो पहले वाले से अलग था उस पे रखिए, और अब एरो के डायरेक्शन में आप फिर से मूवमेंट की प्रैक्टिस करिए। इस तरह की प्रैक्टिस करने से आपका डाउजर पे कंट्रोल अच्छा होता है, और जब भी आप इस तरह से फोकस कोई एक्टिविटी करते हैं ये एक मेडिटेटिव स्टेट की तरह हो जाता है। ये भी बोला जाता है कि डाउजिंग जो करते हैं वो थीटा लेवल स्टेट में चले जाते हैं डाउजिंग करते करते। तो इस तरह की जब आप प्रैक्टिसेस करते हैं आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, ये फोकस बढ़ाने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।